A'udhu billahi minash shaitani rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Ladies and gentlemen, assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to the mega transmission of PSL season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. The show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by New by Kaizen Paint, powered by HBL, and refreshed by Coke. Janab, it was the ninth number of PSL season 9 match between the promising मुल्तान सुल्तान एंड द स्ट्रगलिंग पिशावर ज़र्मी. याद रहे कि तीन मैचेस हुए अब तक के टूर्नामेंट में, तीनों के तीनों मुल्तान सुल्तान ने अपने नाम किए. लेकिन लेकिन जब बात करें पिशावर ज़र्मी की, तो जनाब उन्होंने तीन मैचेस खेले आज का मिला के, आज का मैच जीत लिया और दो मैचेस ना जीत पाए. पॉइंट टेबल के अतबार से क्या डिस्कशंस हो रही हैं वो आपको हम दिखाएंगे थोड़ी देर के बाद स्क्रीन पे. लेकिन इस वक्त ये जो नेल बाइटिंग मैच हमने देखा है, लग रहा था शायद इफ्तिखार की क्रीज पे होने से ये मैच जीत पाएंगे, लेकिन नहीं. आज दिन था पिशावर ज़र्मी का, उनको बाउंस बैक करना था. इस पूरे जर्नी के ऊपर ये जो आज हुआ इस पे हम रोशनी डालेंगे, लेकिन उसके लिए आई हैव टू मूव टुवर्ड्स माय शानदार पैनलिस्ट. जी हाँ, एक तरफ आई हैव गॉटन द फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी टीम, द बैकबोन ऑफ बैटिंग लाइनअप. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सलीम साहब की. अस्सलाम वालेकुम सलीम मलिक साहब. वालेकुम, कैसी हैं सारा? आई एम ऑल वेल जी. उनके साथ देंगे द फॉर्मर पेसर, टेस्ट क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, अब्दुल रऊफ साहब. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम. ये क्या हुआ जेंटलमैन, ये पेशावर ज़र्मी किस तरीके से जीत पाया एकदम से, जैसे ही द मोमेंट इफ्तिखार गॉट आउट. ये मुझे ना आज वो टाइम याद आया, वो जो वर्ल्ड कप में जब शाहीन जो है इंजर्ड हो गए थे और हम मैच हार गए थे, तो मुझे लगा शायद उस तरह की कोई चीज हुई है. इफ्तिखार के आउट होने से पिशावर ज़र्मी मैच जीत गया. हाउ डू यू टेक द होल मैच ऑफ टुडे? देखिए, मेरा ख्याल है कि काफ़ी बड़ा एज था जो है मुल्तान सुल्तान, क्योंकि तीन मैच जीतकर वो पॉइंट टेबल पर पहले नंबर पे थे और पिशावर बॉटम पे था, और पिशावर के लिए ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी था. आपने देखा होगा कि उन्होंने चार चेंजेस किए हैं. वाल्टर को उन्होंने इंक्लूड किया, उसके बाद वुड आए हैं, नवीन उल हक आए और आरिफ याकूब. और मेरा ख्याल है कि जो चारों चेंजिंग हुई है उन्होंने पेड ऑफ किया. वाल्टर ने बड़ी अच्छी शुरू में बैटिंग किया, उसके बाद बॉलिंग अच्छी किया. वुड ने आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग की है. उसके बाद जो इनके आरिफ याकूब लेग स्पिनर हैं, वो पहला मैच खेल रहे थे, उन्होंने बहुत ही शानदार बॉलिंग की है. तो मेरा ख्याल है कि एक टोटल डोमिनेट किया है पिशावर की टीम ने इस मैच में. नो डाउट के मुल्तान की जानिब से जो मिलान थे उन्होंने काफ़ी कोशिश की है मैच जीतने की, और 52 रन उन्होंने कर दिए. मगर उसके बाद फिर उनका जो बाकी बैट्समैन थे वो कोई उसको उनको बैकअप नहीं कर सका और मैच को फिनिश नहीं कर सके. मगर मेरे ख्याल में कि इस वक्त जो इन्होंने चेंजिंग की है पिशावर की टीम ने, उन्होंने पेड ऑफ किया, और जितने भी उन्होंने बॉलर स्पेशली इंक्लूड किए हैं उन्होंने बहुत ही शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया और पिशावर को मैच जितवाया. सर, आई वॉन्ट टू आस्क यू वन थिंग. कॉमेंटेटर्स बात कर रहे थे मोहम्मद हारिस के ऊपर कि हारिस को या तो ओपनर आना चाहिए या उसको फिनिशर आना चाहिए. ही इज अनएबल टू परफॉर्म जहां पे अभी उसको रखा गया है. सर, डू यू थिंक कि ये बात सही है, उसकी जो पोजीशनिंग है वो चेंज होनी चाहिए, बिकॉज आज भी वो ना खेल पाए? नहीं, देखें, अब ऑलरेडी दो ओपनर्स हैं, बाबर ऑलरेडी ओपन करते हैं और सैम भी ओपन करते हैं. अब उसका चांस बन सकता है, क्योंकि सैम एक दो इनिंग्स से फेलियर गए हैं. मगर मेरा ख्याल है कि सैम को चेंज नहीं करना चाहिए. एक बंदे को अगर एक पोजीशन दी गई है और वो पाकिस्तान के लिए भी मेरा हाल इसी पोजीशन पे खेलता रहा, तो उसको चेंज नहीं करना चाहिए. आज देखें, जो सबसे अच्छी चीज़ है ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आपकी बॉलिंग कम्बिनेशन अच्छा होगा तो आप मैच जीतेंगे. आज आप देखें, थोड़ा सा कम्बिनेशन उनका बना है पेशावर का, उसमें कोई शक नहीं कि बाबर और हसीबुल्ला ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली, मगर वो भी वहाँ भी उन्होंने गलत चूज़ किए बॉल हिट मारने के, क्योंकि बाबर पे हमेशा प्रेशर डाला जाता है कि स्लो खेलते हैं. तो मेरा ख्याल है मैं उसको एडवाइस करूंगा कि वो अपनी गेम ना छोड़े, क्योंकि जब भी क्रॉस बैट खेलेगा उससे नहीं खेला जाएगा, हालांकि उसको सीधी हिट मारनी चाहिए थी. एनीवे, जो वो सारी चीज़ें छुप जाती हैं अब जब मैच जीते हैं. देखें, इनका कम्बिनेशन आज थोड़ा सा बेहतर हुआ. आप देखें, ये बॉलिंग में स्ट्रगल कर रहे थे. एक बॉलर वुड ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, उसके बाद नवीनुल हक ने कमाल किस्म की बॉलिंग की. वो ऐसी विकटों पे वो हमेशा बहुत अच्छी बॉलिंग करता है. और सबसे क्रेडिट मैं दूंगा इस नए बच्चे को, जिसने आके आरिफ याकूब ने कमाल लेग स्पिन की. उसमें शुरू में पहला एक दो ओवर मुझे लगा, हम बैठ के बात कर रहे थे, उसके मैंने जो ओवर्स देखे वो टर्न कर रहा था, उसका बॉल ब्रेक हो रहा था. मगर चूँकि पहला मैच था, थोड़ा सा वो ऑब्वियसली नर्वस होगा. उसकी लाइन पे बॉल पहला ओवर नहीं गिरा, जो उसकी लाइन पे गिरे वो मुश्किल पेश आ रही थी. जैसे ही विकेट गिरी मिलान की, मिलान ऑलमोस्ट मैच लेके जा चुका हुआ था, मैं और रऊफ बैठे हुए थे, मैंने कहा अगर इस वक्त थोड़ी सी समझदारी करे ना तो इसको लेग स्पिनर को ओवर करवा देना चाहिए. और आप देखिए, उसी भी ओवर्स में, मेरे ख्याल उसका एक ओवर रह गया था, लास्ट ओवर,
और उसी ओवर में चूंकि उसका टर्न हो रहा था, हमेशा प्रेशर में हिट मारना बड़ा मुश्किल होता है, और उसी विकेट उसी ओवर में उसको दो विकेटें मिली। तो ये जो कहते हैं बाबर की कप्तानी अच्छी नहीं है, तो उसने तो आज बड़ी अच्छी चेंजेस की हैं, अब उसके बारे में क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। अच्छा, बाबर किस तरह से आउट हुए, उसामा मीर जनाब बड़े इंपैक्टफुल साबित रहे, दो विकेट्स ली, दो सिक्सेस हिट किए जनाब, एक कैच भी लिया। हम बड़े कैचेस की बात करें इस टूर्नामेंट के अंदर, लेकिन देखिए ना आज उन्होंने कैच भी किया है और किस तरीके से आउट किया है। ये बात सही है, स्ट्राइक रेट उनका बेहतर हो रहा था, आपकी बात सही है कि अपनी गेम से ना हटो बाबर, स्टे ऑन द क्रीज। नहीं, अगर आप उसका आउट दिखाएं, अगर आप देखें तो बाबर ने कभी भी क्रॉस नहीं खेलता वो, और ये बॉल जो उसने क्रॉस खेली है, मेरे ख्याल सिर्फ उसके बैक ऑफ माइंड में प्रेशर है, जो लोग उसको प्रेशर डालते हैं स्ट्राइक रेट का, ये हमेशा वो मिड ऑन या मिड ऑफ की तरफ, मिड ऑन की तरफ खेलता है, बहुत ज़्यादा खेलता तो मिड विकेट की तरफ खेलता। चूँकि जब आप क्रॉस बैट जाते हैं तो आप देखें एक स्ट्रेट बैट में कितनी गैप नहीं बनता, जबकि इतना सा बैट रह जाता है। तो मेरे ख्याल उसने और वो जो उनका ओपनर था हसीबुल्ला, दोनों बहुत अच्छा खेले थे। हसीबुल्ला बैटिंग अपनी क्रीज पे खड़े होके बड़ी अच्छी शॉटें खेल रहा था, और उसको भी उस वक्त ज़रूरत नहीं थी, चूँकि ये T20 ऐसा एक फॉर्मेट है, इसमें आप ना चाहते हुए भी अपने ऊपर प्रेशर डाल लेते हैं। मगर मैं बाबर की फिर बात करूंगा, बाबर को जो है वो बहुत अच्छा उसका स्ट्राइक रेट जा रहा था, उसको क्रॉस नहीं खेलता, उसको अपनी गेम नहीं छोड़नी चाहिए। लोग बातें करते हैं कि अच्छा, मैं इसमें सलीम भाई से एक क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि बात ही सलीम भाई आप पाकिस्तान काफ़ी अर्से तक पाकिस्तान के कैप्टन रहे हैं और बैटिंग में जावेद मियांदाद के बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम रहे हैं। ये जो चार पाँच यंगस्टर पाकिस्तान टीम है जिसमें साइम अयूब है, मोहम्मद आरिस है, आज़म खान है, और उसके बाद अभी ख्वाजा नाफे एक नया लड़का आ रहा है। आज हसीबुल्ला खान ने बैटिंग की है, हसीबुल्ला खान को मैं काफ़ी अर्से से वाच कर रहा हूँ, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में काफ़ी प्रोमिनेंट रहे हैं, लिस्ट ए में इन्होंने काफ़ी रन स्कोर किया, अभी न्यूजीलैंड के टूर पर भी गए, वहाँ पर सिर्फ इनको एक मैच खिलाया गया। तो आज आपने इनकी इनिंग देखी है, इन्होंने 42 या समथिंग रन किए हैं, आपको क्या डिफरेंस लगा है इसकी बैटिंग में और जो बाकी जो चार पांच यंगस्टर्स हैं? नहीं, हसीबुल्ला बड़ा मुझे तो बड़ा अच्छा लगा उसका खेलते हुए, क्योंकि वो भी एक जिसको कहते हैं जैसे नाफे ने इनिंग्स खेली थी, वो चारों तरफ खेलता है, सिर्फ उस आज उसने सिर्फ ये गलती की कि वो अपनी विकेटें छोड़ के खेला और खेला क्रॉस है। उसको थोड़ा सा मेरा ख्याल है इस चीज़ पे काम करना चाहिए, जब आपको अपने स्कोर मिल रहे हों तो आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो स्वीप भी बड़ी अच्छी मारता है, आज उसने 6 रन भी मारे। बाकी जितने लोगों का नाम आपने लिया ये मुझे उनसे बेहतर नज़र आया सिवाय नाफे, नाफे एक वो प्लेयर है जो उसकी टेक्निक बेहतर है। बाकी आज़म वगैरह तो आपने देखा ही है कि उसने 10 अनिंग्स मिली हैं और 2 की एवरेज है, तो मेरा नहीं ख्याल कि बाकियों को आप कंसीडर करें, ये 2 प्लेयर मुझे बेहतर लगे हैं और इनको मौका मिलना चाहिए। अगर न्यूजीलैंड ले जा के भी नहीं खिलाया गया तो मेरे ख्याल उसके साथ बड़ी ज्यादती है कि एक बंदे को आप टूर करवाते हैं और उसमें एबिलिटी हो और उसको ना खिलाएं, ये ज्यादती है। अच्छा जी, ऑन दिस नोट वी हैव टू मूव टुवर्ड्स अ कमर्शियल ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे, वी विल बी डिस्कसिंग कि आज मुल्तान की जो बैटिंग लाइनअप है उसमें क्या हुआ। स्टे विद अस। उसने एक जो शॉर्ट इनिंग थी उसकी, कोई लंबी इनिंग नहीं थी, मगर बहुत ही उसने बैलेंस इनिंग खेली और उसको काफ़ी हद तक पेशावर की फेवर में उसने मोड़ा है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैट्समैन और उसके बाद बॉलिंग भी उन्होंने अच्छी की है। उन्होंने जो उनका सबसे ख़तरनाक बैट्समैन थे मिलान, उनकी विकेट भी उन्होंने लेकर दी, क्योंकि एक टाइम पर लग रहा था कि मिलान शायद मैच लेकर चले जाएंगे मुल्तान के लिए, मगर उन्होंने उनको आउट करके दिया। अफसोसनाक चीज़ यह है कि मैं तो एज ए पाकिस्तानी मैं अमर जमाल को ही खेलते देखना चाहता था और ज़ीशान को खेलते देखना चाहता था, क्योंकि ये हमारे इमर्जिंग प्लेयर अभी जो ऑस्ट्रेलिया में बड़ा आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस देकर आए हैं अमर जमाल, तो हम चाहते तो ये थे कि PSL में वो हमारे ब्रांड और वो PSL में वो कंटिन्यूस खेलते जाएं, मगर अनफॉर्चुनेटली वो परफॉर्मेंस की वजह से ना खेल सके। दूसरे जो हमारे प्लेयर हैं साइम अयूब, उनको कंसिस्टेंट, अब ये होता है प्रॉब्लम जो हमारे यंगस्टर्स होते हैं, जो कि एक उनकी ट्रेडमार्क शॉट है जिसको पूरा पाकिस्तान फॉलो कर रहा था, जितने भी यंगस्टर्स हैं नेट में आजकल देखें तो वो साइम अयूब एक शॉट लगाते हैं ऑफ स्टंप से, वो सर नीचे करके बॉल को देखे की बात कर रहे हैं जी बिल्कुल, मगर आप देखें जब आप पे प्रेशर बिल्ड होता है इस तरह की शॉट्स उस वक्त खेली जाती हैं। स्पेशली मैं बच्चों को बताता हूँ कि जो आजकल बहुत ज्यादा उसको कॉपी कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट,
इस तरह होता नहीं है। जब आप हर चीज़ आपकी फेवर में होती है, कोचिंग स्टाफ आपकी फेवर में होता है, मैनेजमेंट आपकी फेवर में होती है, आपसे लोगों की एक्सपेक्टेशन नहीं होती, फ्लैट विकेटें होती हैं, आप बहुत ज़्यादा निचले लेवल पर क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो इस तरह की शॉट्स खेलना बहुत आसान हो जाता है। मगर जब आप बार बार जो मिलने वाले चांसेस हैं उनको ज़ाया करते हैं, उसके बाद जब आप मैनेजमेंट आपकी फेवर में नहीं जाती, सिलेक्शन में आप पे थोड़ा सा बर्डन आ जाता है, फिर जब आप पे प्रेशर होता है, एक्सपेक्टेशन लोगों की बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उसके बाद फिर आपसे सीधी बॉल भी नहीं खेली जाती। तो इसीलिए जो आपको चांसेस यंगस्टर्स को मिलते हैं उनको मैक्सिमम उनको अवेल करना चाहिए, और इस तरह की जो फ्लैट विकेट्स हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा इनको पिच के ऊपर टाइम गुजारना चाहिए, ताकि ये यूज टू हों जो कंडीशन हैं उनसे। अदरवाइज उसके बाद फिर यही हाल हो जाता है जो हमारे यंगस्टर्स के साथ होता है कि एक दो मैचेस में स्कोर करते हैं, फिर पाँच छः इनिंग उनकी फ्लॉप चली जाती हैं और दोबारा कम बैक करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरा ख्याल है इसमें ना आपका हीरो जो है ना वो बाबर होना चाहिए, ना कि वो प्लेयर जो एक शॉट के बाद फेलियर हो। तो ये जो रऊफ ने बात की है ना, ये बिल्कुल ठीक बात की है कि आपको फॉलो उसको करना चाहिए जिनका दुनिया में नाम है, विराट कोहली हैं, बड़े बड़े नाम हैं, बाबर है, तो इन लोगों को फॉलो करना चाहिए बजाय के असल मकसद रऊफ का कहने का ये था कि ऐसी शॉटों पे नहीं जाना चाहिए, ये वक्ती तौर पे तो आपको पे कर देती हैं मगर लॉन्ग रन में आपको ये आपका साथ नहीं देंगी, वहाँ आपकी टेक्निक ही आपका साथ देगी। तो आप अच्छे प्लेयर्स को फॉलो करें, ना कि उन प्लेयर्स को जो एक दो मैच के लिए आते हैं और तीन चार छक्के मारे उसके बाद आपको कभी नज़र ही नहीं आए, तो उन लोगों को फॉलो करना चाहिए जो पाकिस्तान के लिए लंबा खेल रहे हैं। अच्छा, आज जहां बात हो रही है छक्कों की, वहां पे हमने इनिंग्स देखी हैं हसीबुल्ला की जनाब। आज पिशावर जर्मी से किसी ने अगर सिक्सेस दो दफा हिट किए हैं तो वो है हसीबुल्ला खान जनाब, रिप्लेसमेंट है कैडमोर की। 37 रन ऑन बोर्ड किए सिर्फ 18 बॉल्स पे, चार मरतबा चौके मारे। सर, हाउ डू यू सी हसीबुल्लाज इनिंग? नहीं, हसीबुल्ला एक अच्छा प्लेयर है, जैसे हम पहले भी कह चुके हैं कि उसको टूर भी करवाया और उसको खिलाया नहीं गया, बेंच पे बिठाए रखा बाहर। तो आज उसने थोड़ी सी गलती की, मेरा ख्याल वो अपनी विकेट पे जो जब जितनी देर वो खेलता रहा उसने स्कोर किया, और जैसे ही उसने, या तो आपको बॉल पिक करना आना, जब बॉल आप पिक नहीं करते तो फिर आप मिस करते हैं, विकेट छोड़ के खेलते वक्त आपको फिर बॉल एग्जैक्ट पिक होना चाहिए कि वह कहाँ गिरा है। अगर आप उसके आज आउट देखें तो वो जब विकेट उसने छोड़ा तो बॉल उससे थोड़ा सा दूर था और वो अंदर लेग स्पिन खेल गया, जबकि वो बॉल बाहर थोड़ी सी बाहर निकली। तो ये चीज़ें जो हैं, ये मेरे ख्याल ये उस वक्त आपको करनी चाहिए जब आप बहुत एक्सपीरियंस हो जाएं, जब आपको विकटों में स्कोर मिल रहा है अपनी क्रीज पे खड़े हो गए, तो ये चीज़ें उस वक्त ट्राई करनी चाहिए जब आप चेस कर रहे हो, आपको 12 की एवरेज चाहिए, 15 की एवरेज चाहिए कि आपने हर बॉल पे हिट करना है। तो मेरे ख्याल वो बड़ा अच्छा खेल रहा था, तो नेक्स्ट अगले मैचों में इस किस्म की गलती नहीं करनी चाहिए। इसमें एक और भी स्लिम है, इसको चीज़ देखनी चाहिए कि देखेंगे 37 रन उसने किए सिर्फ 17 या 18 बॉलों पर, उसके बाद 8वें ओवर में ही आउट हुआ, अभी 12 ओवर पड़े थे, तो ये अपनी इस इनिंग को बिल्ड कर सकता था, सेंचुरी में भी कन्वर्ट कर सकता था अगर ये टाइम गुजारता पिच के ऊपर। तो ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं हमारे यंगस्टर्स को, उसको देखना चाहिए और उनसे अगले मैचेस में सबक सीखना चाहिए। बिल्कुल, बिकॉज अभी T20 वर्ल्ड कप इज कमिंग और हम सब चाहते हैं कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं हमें वो T20 स्क्वाड का यू नो हिस्सा लगे। लेकिन ऑन दिस नोट आई हैव टू मूव टुवर्ड्स अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, वापस आएंगे डिस्कस करेंगे उसामा मीर की शानदार इनिंग से। उदास वेलकम बैक जी, यू बीन वॉचिंग आर स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ PSL सीजन 9, वी कॉल इट कैडबरी डेयरी मिल्क PSL हंगामा। दिस शो हैज बीन प्रेजेंटेड टू यू बाय लाइफ बॉय हर्बल शैम्पू, ब्रॉट टू यू बाय नियो बाय काइज़न पेंट्स, पार्ट बाय HBL एंड रिफ्रेश बाय कोक। जनाब, आज एक रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो जरा कॉन्ट्रोवर्शियल बनता जा रहा है, अगर हम बात करें PSL सीजन 9 की। आज हमने एक कैच देखा है, डेविड विली जनाब खेल रहे थे, ही गॉट आउट बाय द वे ऑन गोल्डन डक। होता यह कि वो आते हैं, आपको हमारी टीम दिखा भी रही है, आरिफ यकूब का ओवर है और वो कैच कर लेते हैं मोस्टली। अब हो ये रहा है कि फीट उनका बाउंड्री से बाहर, अगर हमारी टीम दिखा दे फीट बाहर है उनका बाउंड्री से, कैच वो पकड़ लेते हैं। आई एम जस्ट थिंकिंग एंड जेंटलमैन यू कैन कोट बेटर ऑन दिस, ये जो बेनिफिट ऑफ डाउट है ये फील्डिंग को दिया है, ये अगर बैटिंग को देते तो ये जो मुल्तान सुल्तान है इनकी शायद काया पलट जाती और शायद ये मैच जीत जाते। यू थिंक दिस वॉज ऑल्सो अ टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच, और ये क्या सही लग रहा है आपको? देखें, ये तो बेहतर डिसीजन अंपायर का होता है, मगर मुझे ऐसे लग रहा है कि ये उसका पाँव नीचे लगा हुआ था।
ये देखिए, क्योंकि आप बहुत तेजी से कैमरा घुमाएंगे ना तो आपको ऐसे ही लगेगा कि बहुत बड़ा उठ था। ये देखिए स्लो मोशन, अगर स्लो मोशन मोशन में अगर आप देखें तो लगता ऐसे है कि उसके हाथ जब टच हुए हैं तो उसका पांव नीचे लगा हुआ था, थोड़ा सा डोजी सा था, इसको आप कह सकते हैं कि अब ये एम्पायर की मर्जी थी, वो जिस तरह मर्जी चला जाए। व्हाट डू यू कमेंट ऑन दिस? देखिए, अगर आपके पास कैमरे अच्छे नहीं है और आपके पास बहुत ज्यादा क्लोजिंग कैमरास नहीं है तो मेरा ख्याल है कि फिर बेनिफिट ऑफ द डाउट जो है वो बैट्समैन को जाना चाहिए। और मुझे भी इसी तरह लग रहा है कि जिस तरह जब इन्होंने कैच पकड़ा और बॉल इनके हाथ पे लगी है तो उस वक्त इनका पांव जमीन पे टच कर रहा था, तो मेरा ख्याल है कि अगर ये कैच अगर कैच ना दिया जाता और 6 रन दे दिए जाते तो ये मुल्तान को बहुत ज्यादा फेवर करता, क्योंकि बड़ी आसान पोजीशन में मुल्तान की टीम आ चुकी थी। अच्छा, और जो कमेंटेटर्स थे जब मैच मैं देख रही थी तो उन्होंने ये भी लिखा, वो ये भी कह रहे थे कि दैट्स अ शॉकिंग डिसीजन, क्योंकि बेनिफिट ऑफ द डाउट आपने एक डॉजी कैच को दे दिया है, हिज फुट वाज स्टिल टचिंग द ग्राउंड, तो कमेंटेटर्स भी यही सोचते हैं। ये तो हमें भी लग रहा है ना कि उसका पांव जमीन पे जब टच हुआ है उसके हाथ को, उस वक्त लग रहा था कि उसका पांव जमीन पे है, तो ये अब अंपायर की मर्जी है, उसने आउट दे दिया है, बेनिफिट वैसे तो बैट्समैन को जाना चाहिए था, मगर या तो बहुत ज़्यादा आपके पास कैमरा वर्क हो, कैमरे अच्छे हों, क्लोजिंग कैमराज बहुत ज़्यादा हों, तो फिर आप उसमें क्लोजली जज करके तो देख सकते हैं कि कितने इंचेस का मार्जिन है और उस पर टच करा है या नहीं। मगर जो ये वाले कैमरे हैं जो इस टूर्नामेंट में लगाए गए हैं और जो ये टीवी पे रिव्यू वगैरह दिखा रहे हैं उसके मुताबिक तो मेरा ख्याल है कि जो बेनिफिट ऑफ द डाउट है वो बैट्समैन को ही बनता है। अच्छा, वो बैट्समैन को ही बनता है, लेकिन यहाँ पे हुआ जो है वो कॉन्ट्रास्ट हुआ है, वो बॉलर को चला गया। वैसे ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह में अक्सर आप देखो वो बड़ा करीब ले जाकर दिखाते हैं ये कैमरे, मगर हमारे पास मेरे ख्याल वो है नहीं सिस्टम अभी। सो मे बी वी कैन वर्क पीएसएल सीजन 9 के बाद, पीएसएल सीजन 10 जब आए तो मे बी वी कैन वर्क ऑन दिस ताकि चीजें और बेहतर हो और ऐसी कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी रोज क्रिएट ना हो। अच्छा जी, जहाँ ये बात हो रही है, लेकिन था बड़ा मजा आ रहा था देखने में कैच नहीं, एक्रोबैटिक उसने मोमेंट की है बहुत अच्छा कैच, नवीन लगा आपको, अच्छा लगा आपको फील्डिंग में ना, आपको लगता है आप कैचेस पे भी अक्सर आप एक्साइटेड हो जाते हैं, आप कैचेस पे बात खुशनिल शाह के कैचेस पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड, हाय हाय अभी तक कितने कैचेस छोड़ चुका है वो। अच्छा हां, ये भी अगर नंबर ऑफ कैचेस हमें बता दे हमारी टीम टू बी एग्जैक्ट, बिकॉज़ आई डोंट वांट टू गो रॉन्ग। जहां बात हो रही है खुशनिल शाह की, आई वांट टू आस्क यू वन थिंग स्ट्रेट अवे, बीट खुशनिल शाह एंड बीट आसिफ अली, ये लोग फिलहाल इस टूर्नामेंट में रन करते हुए नजर नहीं आ रहे, व्हाट्स रॉन्ग विद देम? मेरा ख्याल है कि बहुत ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन पे इन्वेस्ट किया है, 5-6-7 बल्कि 8 साल से पाकिस्तान टीम का हिस्सा है, इनको फॉरेन टूर कराए गए, वर्ल्ड कप में इनको पार्टिसिपेट करवाया गया और यहाँ पर जितनी भी लीग्स होते हैं, डोमेस्टिक इवेंट्स होते हैं, सब में ये रेगुलर खेल रहे हैं, मगर उसके बावजूद जो इनकी परफॉर्मेंस अभी तक अप टू द मार्क नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि जो लोग इनके नाम देते हैं, पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है, सिलेक्शन पैनल जो पीएसएल के लिए स्क्वाड सेलेक्ट करते हैं, जब फाइनल जब नाम दिए जाते हैं फ्रेंचाइज की टीमों के, तो उस पर मेरा ख्याल है कि देखना चाहिए और आपके सिस्टम का भी मेरा ख्याल है कि थोड़ा ओवरहॉलिंग की जरूरत है, क्योंकि नया टैलेंट नहीं आ रहा, तो 5-6 साल एक प्लेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा होते हैं, अगर उसकी एवरेज फिर भी 15 या 20 से एक्सीड नहीं करती है तो फिर आपको उनके रिप्लेसमेंट पे कुछ नए लड़कों को ज़रूर मौका देना चाहिए। मेरा ख्याल है कि रऊफ एक चीज़ उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनके मतलब की तो वो बॉलिंग करवाए ना जहाँ वो चाहते हैं बॉलिंग करनी, इनको चाहिए फिर अपने घर से ही बॉलर ले दूसरी टीम के, क्योंकि अगर आप ऑफ साइड पे बॉल नहीं करेंगे तो उनसे स्कोर नहीं होगा, तो ये उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। अच्छा जी, बातें बहुत ज्यादा हैं, समझ में नहीं आता घंटा कहाँ गुजर जाता है, बट जो भी है बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन होती है। जेंटलमैन थैंक यू सो मच, रोज मैं आती हूँ आपसे सीखती हूँ और ये सफर बहुत यादगार बनता है। उसामा का सवाल बीच में, उसामा का सवाल हम इंशाल्लाह कल जब वापस आएंगे, क्योंकि उसामा की शानदार इनिंग्स है जनाब, उन्होंने आज 2 बोल की है, तो माशाल्लाह से व्हाट अ ब्यूटी ही इज टर्निंग आउट टू बी, माशाल्लाह वो पुराना वाला उसामा वापस हमें नजर आ रहा है, अच्छी बात है। जनाब कल 10th नंबर ऑफ पीएसएल सीजन 9 का मैच है बिटवीन लाहौर कलंदर, जनाब वो जो बिल्कुल जिनके हालात बहुत खराब हैं, एक मैच भी जीत नहीं पाए हैं, और दूसरी जानिब कराची किंग्स, जिन्होंने अपना एक मैच जीता है, तो कल देखते हैं एक तरफ शान मसूद और दूसरी तरफ शाहीन शाह अफरीदी, क्या होने वाला है ये वक्त बताएगा। दिस इज मी साला बलोच साइनिंग आउट, जाते जाते एक बार फिर हम साथ कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। तैयार है इस खेल के हम सरदार।